गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू शर्मा व्लॉग्स। आज है संडे और संडे के दिन मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैंने सबसे पहले जो थी चाय बनने के लिए रख दी थी और साइमल्टेनियसली मैंने ब्रेड और एग्स निकाल करके रख दिए थे ताकि मैं ब्रेड ऑमलेट बना सकूं। तो संडे के दिन ऑलमोस्ट हमारा लेट हो जाता है उठना, तो जिसकी वजह से हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो जाता है, यू कैन से ब्रंच हो जाता है। तो ये मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी थी, चाय पत्ती और चीनी मैंने उसमें डाल दी थी। तो चाय पत्ती चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें अदरक डालूंगी। तो मैंने अदरक जो थी वो पीस ली थी और अदरक पीसने के बाद मैंने इसको चाय में डाल दिया था। सो आप जैसे देखेंगे कि मैंने एप्पल भी साइड में रखा हुआ है क्योंकि कायना जो थी मैंने उसके लिए फ्रूट्स में एप्पल प्रेफर किया मॉर्निंग में कि वो एप्पल थोड़ा सा खा ले। दो उसको एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती है, बट आई ट्राई कि थोड़ा बहुत अगर वो फ्रूट्स खा ले तो उसके लिए ही बेटर है। तो फ्रूट्स जो थे वो मैंने काट करके साइड में ट्रे में रख दिए थे और साथ ही साथ मैं देखिए अंडे की प्रिपरेशन भी कर रही थी कि आरिफ और मैं जो हैं वो ब्रेड टोस्ट खाएं। चाय मेरी उबल गई थी तो मैंने उसको दूसरी गैस पे चढ़ा दिया था और इस गैस पे मैंने ब्रेड ऑमलेट बनने के लिए तवा रख दिया था। मैं ब्रेड ऑमलेट जो है बटर में बनाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर बटर से आप इसे बनाएं तो टेस्ट जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। सो ये कायना का मिल्क मैंने गर्म कर दिया था और टोस्ट भी मेरे बन के रेडी थे। कायना के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड बनाई थी, उसको अंडा ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड बना दी थी और साथ में दूध और हर्षी मिल्क मैंने उसके लिए बना दिया था। वो कायना थोड़ी चूजी है खाना खाने के मामले में, सो आई विल ट्राई कि वो जितना भी कुछ थोड़ा बहुत खा सकती है हेल्दी उसको थोड़ा हेल्दी में दे दूँ, बट उसको खाना खिलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो ये आरिफ और मेरी चाय रेडी है और हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो भी रेडी था। कायना बहुत ही मन मार के खाना खा रही थी। सो ब्रेकफास्ट के बाद अब चलिए सीधा चलते हैं मॉल आपको लेकर के प्ले जोन। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद कायना सेड की पापा आज संडे है, आई वांट टू गो आउट, तो हम लोग कायना के लिए एंड थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग प्ले जोन आ गए थे। पास में ही मॉल है हमारे घर के, सो वहाँ पर आ गए थे एंड आने के बाद कायना अपने गेम्स को एंजॉय करते हुए, सो यू कैन सी कि कायना कितना एंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ। दो कहने को ये प्ले जोन किड्स के लिए है बट हम भी बच्चे बन ही जाते हैं बच्चों के साथ और हम भी एंजॉय करना पसंद करते हैं ऐसे गेम्स को। एंड प्ले एरिया में 3-4 घंटे कहाँ निकल गए हमें बिल्कुल पता नहीं लगा। ये मैं डांस करते हुए, ये डांस ऑफ बैटल, आई एम सॉरी अगर आपको मेरा डांस पसंद ना आए क्योंकि मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता है। आरिफ ने ज़बरदस्ती मुझे डांस के लिए भेज दिया था एंड आई वॉज स्माइलिंग कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं किस तरीके का डांस कर रही हूँ।
सो यू कैन सी कि आई एम बिल्कुल मैं बिल्कुल लर्नर की तरह डांस कर रही हूँ। आई लाइक दिस गेम, मुझे ये गेम काफ़ी पसंद आया था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग संडे का। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।